अब वही फोन वाले हो ना जो भारत का पैसा बाहर भेजते हो अमेरिका में। हाँ हम वही स्कॉन वाले हैं, पर हम पैसा बाहर नहीं बेचते हैं। लेकिन फिर ये क्यों बेच रहे हो फिर? इसका भी तो पैसा बाहर ही जाएगा हमारा। क्या दे रहे हो भगवद्गीता? लीजिए लीजिए, भगवद्गीता ही है आपकी जिंदगी का मैनुअल। लिखी नहीं ना? देखो भाई, मैं धर्म कर्म में नहीं मानता। अच्छा, ये तो आपकी लाइफ का मैनुअल है, शरीर में तो आप मानते हैं अपने ना। नहीं मानता भाई, शरीर में मानता लेकिन धर्म कर्म में नहीं मानता। ये देखो क्या है ये? ये तो नमस्ते मुद्रा है जो नमस्ते करते हैं। देखिए आप सब बताइए, क्या ऐसे नमस्ते तो करते हो? मच्छर मार। अच्छा मच्छर मारे मुझे। ये नमस्ते मुद्रा। अपनी गीत आने जरा। ये देखो इस गीता ने, इस सो कॉल्ड धर्म ने हमारे अखंड भारत को अलग कर दिया है। निकालो अपनी गीता। ये देखो फिर एक हो गया हमारा भारत। आपका धर्म अलग करता है लोगों को। हम अपने सेक्युलर लोग हैं, हम देश को एक करने में लगे रहते हैं, और आप भगवद गीता से धर्म लोगों को अलग कर रहे हो। काम करिए, आप एक बार गीता खोल के पढ़िए। देखिए आपने कभी पढ़ी है पहले? पढ़िए नहीं। देखिए इसमें एक श्लोक ऐसा बताइए जिसमें भगवान कह रहे हैं, तो एक श्लोक में ढूंढ लीजिए। आपको पता है, कभी आपने कभी इस्कॉन मंदिर विजिट किया है? कभी या तो नहीं? नहीं क्या? कभी आके देखिए, वहाँ पे आपको काले गोरे चाइनीज जैपनीज भारतीय सभी लोग एक ही वेशभूषा में दिखेंगे, एक ही नाम को जपते हुए दिखेंगे, एक ही भगवान को पूछते हुए दिखेंगे। क्यों? क्योंकि गीता पढ़ के पूरे दुनिया में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, यूएनओ है, यूनेस्को, अलग अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशन है सारे लोगों को एक साथ करने के लिए। बट यूएनओ के होते हुए भी कितने वर्ल्ड वार हो रहे हैं, कितने आदमी भी देशों में युद्ध चल रहे हैं। यूएनओ में तो गीता नहीं पढ़ाई जा रही, यूएनओ तो गीता का प्रचार नहीं कर रहा, तभी किसी पूरी दुनिया को एक नहीं कर पा रहा। बस मात्र एक भगवद गीता ने 190 देशों के लोगों को एक साथ धोती कुर्ता पहना के भगवान की कीर्तन में नचा दिया। तो आप कैसे कह सकते हैं हमारी सोसाइटी में सभी धर्मों से आने वाले लोग आते हैं, सभी तरीके की कल्चर से आने वाले लोग आते हैं, सब मिलके एक साथ रह रहे, कोई लड़ाई नहीं है। तो कहाँ से है आपका अखंड भारत हम तोड़ रहे हैं? महाराज जी आप भी गीता पढ़िए, अपनी जिंदगी में लाइए, खुद को जोड़िए भगवद गीता से। लीजिए पकड़िए भगवद गीता। धन्यवाद। हरे कृष्णा, गीता लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग भगवद गीता। हरे कृष्णा। हरे रामा, हरे रामा। कैसे हैं आप? गीता देख रहे हो क्या? ना गीता बांट रहे हैं। क्या क्या है ये भगवत गीता? भगवत सुना है भगवत गीता क्या होता है? बचपन से यही तो पढ़ते आ रहे हैं हम। ओहो बच्चे यही पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए दूसरा क्या पढ़ाइए? सब है हमारे रामचरितमानस कंठस्थ है हमारे मुंह में। अच्छा पूरा बना आपके मुंह से तो कुछ और टपक रहा है। चलता रहता है ऐसे ही। अच्छा वो चलता रहता है कंठस्थ, तो फिर वही हुआ ना? नहीं भगवत गीता इसकी बड़ी आवश्यकता है। ब्राह्मण है, गौतम ब्राह्मण है हम। अच्छा ब्राह्मण है। हाँ गीता क्यों नहीं लेंगे? पढ़ लिया हमने। पढ़ के क्या जाना आपने? बस यही पढ़ना हमें। पढ़ के जाना क्या? आप कह रहे हैं जिंदगी इसमें बिता दी, हमने जाना क्या? बचपन में पढ़ लिया हमने। अच्छा बचपन में पढ़ लिया। गीता पढ़ने के बाद अर्जुन कह रहा है उसका सारा मुंह हट गया, आपका कौन सा मुंह हटा? आपके दांतों में भी गुटखा लगा हुआ है। घर जाके अभी भी आप दो बोतल खोलेंगे। गीता पढ़ने का मकसद क्या होना चाहिए? गीता पढ़ने का मतलब क्या है कि हमारी जिंदगी में भी कुछ चेंज आ रहा है। वरना गीता के ऊपर 800-900 से ज्यादा एडिशन है। ऐसे ऐसे लोगों ने गीता के ऊपर टीकाकरण किया है जिन्होंने आज तक कृष्ण का नाम नहीं सुना है, कृष्ण के बारे में कुछ जाना नहीं है। ऐसे लोग की जिंदगी में कभी कुछ चेंज आया नहीं? आया क्यों? क्योंकि उन्हें गीता का सही महत्व पता ही चला। क्योंकि गीता सुनने के बाद अर्जुन कह रहा है, क्या कह रहा है अर्जुन? मेरा सारा मुंह खत्म हो चुका है, पर आपका मुंह तो अभी भी आपके मुंह में है। और ब्राह्मण की तो काम है पढ़ना और पढ़ाना। आपने कितने लोगों को गीता पढ़ाई? इस बात को छोड़ो, पर हमारे दिल में लग गई है, आज से हमने पान खाने छोड़ देंगे। छोड़िए छोड़िए, पीछे दूंगी पहले आप बोलिए। मीठा पान भी छोड़ देंगे। अच्छा आप गीता पढ़िए, गीता में सारे पान सारा मिठास आपको मिलेगा। दोबारा पढ़िए, अब लोगों को भी पढ़िए।
चलो दे दीजिए हमें चलिए आप 21 भगवत गीता लेके जाइए और लोगों को बांटिए ठीक है। इसकी थोड़ी लक्ष्मी भी है तो देख लेंगे बाद में दे देंगे आते जाते रहते हैं। चलिए दे दीजिएगा ठीक है धन्यवाद हरे कृष्ण। अरे भाई मैं भी थोड़ा बहुत धर्म कर्म जानता हूँ लेकिन उसमें ये कहा लिखा है कि तुम रेडी पे लगा के भगवत गीता बेचोगे जैसे रेवड़ी गच्चक बेच रहे हो। ये तो तुम ऐसे दे रहे हो जैसे कोई रेवड़ी गच्चक लेने आ रहा हो तुम्हारे पास। हम गीता दे रहे हैं हम बेच नहीं रहे हैं हम भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं ना हमारी औकात है बेचने की ना आपकी औकात है खरीदने की। तो आप वही हो ना जो स्कॉन टेम्पल से हरे कृष्ण हरे रामा करते हो। हाँ हम स्कॉन से ही है वी आर प्राउड फ्रॉम स्कॉन यस। तो आपके स्वामी ने आपके स्वामी प्रभुपाद ने यही सिखाया है कि गीता को ऐसे बेचो। बिल्कुल प्रभुपाद ने हमें यही बोला है ज्यादा से ज्यादा लोगों में गीता बांटो। इतना कमा लेते हो इसका इसमें क्या कमाना हम आप क्या सोच रहे हैं भगवत गीता में क्या कमाई उसको कमा ही लेते होगे तभी बेच रहे हो। नहीं नहीं इसमें गीता में हमारी क्या कमाई है इतने सारे लखपति करोड़ करोड़ पैकेज वाले लोग होते हैं वो भक्त लोग सैटरडे संडे जब छुट्टी होती है जब रेड लाइन पे गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना एक दिन में कितना कमा लेंगे इससे लाखों करोड़ों का पैकेज है उनका। तो हमें इससे किसी कमाई की आवश्यकता नहीं है मैंने आपको बोला ना हमारी बेचने की औकात है ना आपकी खरीदने की औकात है भाई। थोड़ा बहुत तो धर्म कर्म हम भी जानते हैं गीता को ऐसे थोड़े ना खुले में रखते हैं। गीता को तो हमारे बाप दादा भी पढ़ते थे हमने देखा है उन्हें गीता को एक लाल सूती कपड़े में ढककर चारों गांठे बांधकर तिलक करते थे और ऐसे गांठ बांधते थे कोई कोना नहीं दिखता था और मंदिर के ऊपर टांग देते थे वो धर्म होता था। ये क्या धर्म है तुम ऐसे बेच रहे हो। आप एक काम करिए उसका गांठ को खोलिए गीता पढ़िए जो आपके दादा गांठ बांध के गए थे वो अभी तक बंधी हुई है। गीता का असली मकसद क्या है गीता को लेके घर में लाल कपड़े बांध के रखना नहीं गीता को अपने दिल में बांधना दिल में अपने गीता को रखना। गीता लीजिए गीता पढ़ना स्टार्ट करिए तब आपको पता चलेगा इसकी कितना महत्व है। क्यों कि आज के व्यक्ति मंदिर नहीं आना चाहते आज का इंसान के पास टाइम नहीं है मंदिर आने का भगवान के पास जाने का तो इसलिए क्या भगवान को सड़क पे आना पड़ रहा है आप जैसे लोगों की वजह से आप जैसे बेवकूफों को लेके आने के लिए। सोचिए अगर आप गीता पढ़ने वाले होते तो हमें क्या आवश्यकता थी गीता को यहाँ लेके रखने की। आप लोग गीता नहीं पढ़ रहे हो तो हम लोग यहाँ पे अपना काम धंधा छोड़ के हमें यहाँ भगवत गीता बांटनी पड़ रही है आपकी वजह से। आप पढ़ना स्टार्ट करिए सब लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे फिर गीता क्यों सड़क पे होगी बिल्कुल नहीं होगी ठीक है। तो ये लीजिए गीता लीजिए दो नहीं इनको एक ही दीजिए दूसरी ना किसी बात खोलिएगा इसको बार बार बांधिएगा ठीक है धन्यवाद हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भगवत गीता लीजिए हरे कृष्णा। आप तो शायद नहीं और दूसरे क्या है यार क्या तुम बेचे जा रहे हो क्या है ये श्रीमद् भगवत गीता है। जैसे आप फोन खरीदते हैं फोन के साथ एक मैनुअल भी आता है ना ऐसे जब आपको शरीर मिली तो ये शरीर के साथ मैनुअल भगवान ने दिया मतलब आपने पढ़ा नहीं अभी इस शरीर का इस्तेमाल सही से नहीं कर पा रहे। आप वही फोन वाले हो ना जो भारत का पैसा बाहर बेचते हो अमेरिका में। हाँ हम वही फोन वाले हैं पर हम पैसा बाहर नहीं बेचते हैं। लेकिन फिर ये क्यों बेच रहे हो फिर इसका भी तो पैसा भारी जाएगा हमारा। अच्छा ये आपकी जैकेट कौन सी कंपनी की है पुमा। अच्छा ये जूते आपने बड़े अच्छे पहने हैं आपके सारे ब्रांड सारे तो बाहर के देश के हैं आप सारा सामान बाहर का खरीदते हैं फोन आपका चाइना का है गाड़ी आपकी अमेरिका की है घड़ी आपकी बाहर की है कोलगेट भी आप बाहर का यूज कर रहे हैं सारा प्रदेश का पैसा तो आप बाहर भेज रहे हैं कभी आपने सोचा ये है आप कितना पैसा आप बाहर भेज रहे हैं कितना बिजनेस हो रहा है भारत में आके दूसरी देश की कंपनियों का शराबें बिक रही हैं बाइकें बिक रही हैं गाड़ियां बिक रही हैं बट आपको क्या लिख रहा है भगवद गीता जो कि भारत में ही छपती है भारत के लोग इसको छापते हैं है? और उसमें आपको लग रहा है कि हम पैसा बाहर भेज रहे हैं। प्रभु जी कभी आइए हमारे मंदिर में देखिए इस्कॉन डेली प्रतिदिन पूरे विश्व में 20 लाख से ज्यादा लोगों को खाना खिलाता है डेली।
कितना विजिट किया है इसको, लिस्ट ऑफ क्लास का मंथली एक्सपेंस ही करीब 1.5 करोड़ से ऊपर है। यहाँ पे 25,000 लोग हर हफ्ते आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, उन लोगों में फ्री प्रसाद बांटा जा रहा है। कभी आपने इसके लिए सोचा है? आपने तो इतना पैसा बाहर भेज दिया, इसको उनके पास कहा है कि हम इतना पैसा बाहर भेजा, हमारा इतना ही यहाँ पे खर्च हो रहा है। कभी आपने खुद आगे दान किया है? कभी आप ना 100 लोगों को भंडारा करके खिलाइए, एक हफ्ते तक आपको करना पड़ेगा। धन्यवाद। छोटी सी प्रेजेंटेशन थी, छोटा सा ट्रेलर दिया है, भक्त लोग इसे ज्यादा सहते हैं तो बहुत बेसिक था, ठीक है। जब आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे तब आपको और अच्छा एक्सपीरियंस इसका मिलेगा। थैंक यू। हरे कृष्णा।